हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 28 मई। भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थनाएं पर्याप्त हैं। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसीलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हरे नाम को पत्र 28 मई 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। असल तुम्हारा काम क्या है? असल काम है जीवस्व तत्व जिज्ञासा। ये जो मनुष्य जीवन है ये केवल आप ही मजा करो, मजा करके फिर कुत्ता भेड़ी बन गया, इतना मूर्ख हो गया मनुष्य समाज। जानता ही नहीं जो मैं किधर जा रहा हूं। शास्त्र में कहते हैं अदांत वो भी विशतांत विस्तम पुनः पुनः चल भितर बना नते विदु शास्त्र गति ही विष्णु। जानते ही नहीं तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा दिस इज दे तत्व जिज्ञासा। ये श्रीमद भागवत जो है ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र जो है वैसे बनाया फिर वो सूत्र में है उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये श्रीमद भागवत कमेंटरी है उसको भाष्य। भाष्य ब्रह्म सूत्राणाम वेदार्थ परिमितम। ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। क्यों ये भाष्य कमेंटरी लिख लिख करके आदमी को सब विपदगामी कर देते हैं। इसलिए खास करके ये जो वेदांत सूत्र है वैसे का आखिरी दान है। सब वेद का जो ज्ञान है उसने सब एकत्रित करके और भाषा में उसको प्रकाशित किया फिर उसको अच्छी तरह से समझाया श्रीमद भाव। ये जो वेदांत सूत्र में कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्म जिज्ञासा और इधर बताते हैं जीवस्व तत्व जिज्ञासा। ये तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा एक ही शब्द। ब्रह्म ही तत्व वस्तु है। आगे जाके समझाएंगे बदंती तत्व तत्व जद ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य जीवन जो है ये सुअर कुकर कैसे केवल खा पियो मजा करो और श्री शंकर को आज कुछ दिन बाद मर जाओ कुत्ता बेड़ी के। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। जीवस तत्व जिज्ञासा ये जीवन का तत्व जिज्ञासा। मैं कौन ये तत्व जिज्ञासा पहली होनी चाहिए। ये जिज्ञासा जब तक किसी का हृदय में उदित नहीं होता है वो पशु ही है। इसलिए इतना शास्त्र बनाया गया जो समझो तुम कौन। तात्विक भाव से समझ, तात्विक भाव से भगवान को समझो, तात्विक भाव से अपने को समझो, तात्विक भाव से भगवान से तुम्हारा संपर्क क्या है इसको समझो, तुम्हारा जीवन का ध्येय क्या चीज है इसको समझो। इसका नाम है तत्व जिज्ञासा। जीव सतत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ती है कर्म भी। ये जो कर्मी लोग है कर्मी का अर्थ होता है कि ऐसे कुछ काम करो जिसमें हमारा इंद्रिय तत्पर अच्छी तरह से चले। जैसा आदमी साधारण रुपया चाहते हैं बहुत दिन भर खूब परिश्रम करते हैं। क्यों रुपया चाहिए। विवाह चाहते हया राजन कुटुंब भला नहीं होगा। ये जो आजकल का मूर्ख समाज है सब भागवत में बताया गया। आप सदामात्म तत्व तत्व जिज्ञासा उसको भी जगह जानता ही नहीं। अवस्था अंधे है। अवस्थामार्थ तत्व गृहेशु गृह में यदि ना सुतोप्रादि निराजेंद्र
निनान संति सहस। जैसे हम लोग बताते हैं कि केवल भगवान की कथा सुन, ये हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावना मृत। डॉक्टर राव को मैं ये अनुरोध करता हूँ, जो किताब कृष्ण भावना लिखे हैं उसको लिखिए कृष्ण भावना मृत, कृष्ण भावना मृत, कृष्ण कॉन्शियस। ये जो हम लोग का प्रोपेगेंडा है, ये तत्व जिज्ञास तत्व जिज्ञासा जी भगवत गीता पढ़ो अच्छी तरह से समझो, जैसे करता है कुछ अदल बदल न करो, अदल बदल गया तो बस खत्म। जैसे दवाई है किसी डॉक्टर साहब लिया, डॉक्टर साहब उसमें लिख देता है डोज, इतना मुंह पानी से मिला करके खाने का पहले पी ली, वो आप अपने खुद उसमें अदल बदल कर दिया, इतना नियम भूख क्यों, इतना भूख करो, अब पानी से क्यों और किसी से किसी का साथ पी लो, इतना डोगा आपका काम ठीक नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार भगवद गीता पढ़िए, बाकी भगवद गीता जैसे बता रहा है ऐसे पढ़िए, अपना मतलब हासिल करने के लिए भगवद गीता नहीं पढ़िए, उसमें वास्तविक तात्विक ज्ञान। और ऐसा न समझिए कि भगवान श्री कृष्ण वो हमारा लिए छोड़ गया है, जहां उसमें कुछ अपना भाष्य करेंगे, अपना मतलब कुछ निकालेंगे, इसलिए छोड़ दिया। ये महामूर्खता है, जो कुछ कहने का है तो भगवान सभी को कह दिया, तुम कौन है जो तुम्हारा ऊपर छोड़ दिया भगवद गीता समझ के, यही मूर्खता है। मूर्ख लोग यही सब कर, वो समझता बहुत विद्वान है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, राजनैतिक है, और हम भगवद गीता सब कोई इनसे परिचित है और हमारा कुछ मतलब इसका भीतर घुसा, ये बदमाशी चल रहा है और आदमी का सर्वनाश हो गया। तब से कुछ समझता ही नहीं किस लिए भगवद गीता है, वो समझता ही नहीं, और लिख रहा है भगवान भगवद गीता का ऊपर भाषण लिख रहा है, ये पॉलिटिशियन लिख गया ऊपर सब नाश कर, नहीं ऐसी नहीं। तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा साथ में बताते हैं तद विज्ञान थम सा गुरु में अभिगछित समित प्राणी सूर्यम ब्रह्म निष्ठम, कब ऐसा तत्व जिज्ञासा कर। और भगवद गीता में बताया ये कठोर गोपुरेशन की वाणी है, और भगवद गीता तद विधि प्रणिपाते न परिवृष्णे न सेवया उपदक शांति तद ज्ञानम तत्वदर्शिन, तो तत्व जिज्ञासा किसका पास जाने से होगा, आप कोई पान वाला का पास बीड़ी वाला का पास जाकर के जी हमको थोड़ा भगवद गीता तत्व तो समझा दो, वो सारा क्या समझा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं जो तद विज्ञान सब गुरु अभिगछित, यदि आप तत्व वस्तु समझने चाहते हैं तो वास्तविक जो गुरु है उसके पास जाओ, उसके पास समझो, पान वाला का पास नहीं, बीड़ी वाला का पास नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। बीड़ी भुगता है भगवद गीता पढ़ता है, ये सब चल रहा है, बीड़ी भुगते भगवद गीता बोलते बोलते गला सूख गया, ला भी दो बीड़ी ला। ये सब जो प्रोफेशनल है इसको 5,000, 2,000, 4,000 वर्ष आप सुनेंगे तो तत्व ज्ञान लाभ नहीं। यदि वास्तविक तात्विक ज्ञान चाहते हैं तो जैसा भगवान बताते हैं तद विज्ञान तद विधि प्रणिपाते न, यदि आप तात्विक ज्ञान चाहते हैं तो पहले आपको प्रणिपात, इसलिए आपको प्रस्तुत होने पड़ेगा। प्रणिपात में का अर्थ होता प्रकृष्ट रूपे न निपा, बिल्कुल जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसी प्रकार व्यक्ति को ढूंढिए जहां जाकर के अब संपूर्ण प्रणिपात कर सकते हैं। महाराज
आपको चरण में अपने को हम बिका दिया। ऐसे व्यक्ति को सुनना जोड़ना चाहिए। पंडित पाल अगर आप समझते हैं जो ये स्वामी जी क्या जानते हैं गीता, हम इनसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आप ठगाने के लिए कुछ प्रश्न कीजिए जो कितना जानते हैं उसमें कुछ लाभ है। आप स्वामी जी को नहीं चाहते हैं और किसी को चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जहां जाकर के आप खुशी से परिपात कर सके, तद विधि परिपात फिर बड़ी प्रश्न की। जिसके पास आपको परिपात है नहीं, उनसे परिप्रश्न करके उनको भी समय नष्ट करना, आपका भी समय नष्ट करना, ऐसी काम रखना, उसमें कुछ लाभ है। तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया। कारण यह है ये जो विज्ञान है ये सेवन मुख में ये मानव होता है। जब तक हमको ये घमंड रहेगा कि हम तो मास्टर है, हम तो प्रभु है, जैसा महामूर्ख लोग कहते हैं हम भगवान है, हम गॉड है, तो ये सब कुछ भगवान को समझ नहीं पाए, क्योंकि इसको प्रणिपात है नहीं, सरेंडर है नहीं। और भगवान को समझने के लिए पहली बात है सर्वदंबान परिस्थान प्रणिपा, आपने को प्रकृष्ट रूप में न दिखाओ। जो पहली समझना चाहिए जो हमारा ऐसे मूर्ख जगत में कोई है नहीं दुनिया में, हम घमंड से ऐसी ऐसी कर रहा था, आज से भगवान आपके चरण में हम अपने को बिता, आप चाहे राखिए मानिए जो कुछ। ये बुद्धि कब होती है, ये भी भगवान भगवत गीता में होता है कि बहुनाम जन्मनाम हो। ये मूर्ख लोग अनेक जन्म जन्मांतर ये घमंड में रहेंगे हम भगवान हम भगवान, ये अनेक ऐसे जन्म चले जन ज्ञानवान। तो जब ज्ञानवान होगा बात कि मैं भगवान नहीं है, मैं भगवान का दास है, उसका नाम है ज्ञान। और जब तक वो अपने को समझता है जो मैं भगवान है, उसका ऐसे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं, ये बात असल बात। तो इसलिए पहले आपने को प्रणिपात, ऐसे व्यक्ति भगवान के पास प्रणिपात होता है और भगवान के जो प्रतिनिधि गुरु उसको प्रणिपात हो सकता है, दूसरे के पास नहीं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 41। संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमने पिछले श्लोक बताया था अवांछित जो संतान उत्पन्न होती है, जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, कुल जो है कुल की स्त्रियां वे दूषित हो जाती हैं और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जैसे अवांछित संतान होती है वो क्या करती है, वो धर्म का कार्य में नहीं लगती। अब कोई कहेगा ऐसा क्यों, क्योंकि जो अवांछित संतान जिसको वर्ण संकर कहते हैं वह उत्पन्न होती है तमोगुण और रजोगुण से। तो तमोगुणी रजोगुणी चेतना उसके अंदर होती है, इसलिए वो धर्म के प्रति उसका झुकाव नहीं होता, अधर्म के प्रति ज्यादा उसका झुकाव होता है। तो इसीलिए जो धर्म के कार्य है वो रुक जाते हैं। अब यहां पे अर्जुन बोल रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया,
जो पिंड दान की क्रिया है, श्राद्ध करने की, पिंड देने की, जल और जो भोजन हम अपने पूर्वजों को देते हैं वो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि वो धर्म का कार्य है। जो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में है वो धर्म के कार्य में नहीं लगेगा, और हम आज ये देख भी रहे हो रहा है। वैदिक सभ्यता में पहले तो हर जगह होता था, अभी तो सिर्फ हिंदू करते हैं, उसमें भी सभी नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको तकलीफ होती है। जो तो वैकुंठ निकल गया, मोक्ष मिल गया, वो ठीक है, जो नहीं निकला। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पूर्वज को अपने कर्म अनुसार या किसी श्राप के अनुसार उसको नया शरीर नहीं मिलता और प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, या तो किसी पूर्वज को हमारे नरक लोकों में भेजा जाता है। तो इन लोगों का कैसे उद्धार होगा, इनको कैसे भोजन मिलेगा, इनको खाना पानी कैसे मिलेगा, वो मिलता है पिंडदान से। अब पिंडदान भी जो बहुत लोग करते हैं वो वैदिक सभ्यता से धर्म अनुसार नहीं करते, ऐसे कुछ बना देते हैं, अच्छा सा भोजन बना देते हैं और कुछ तथाकथित ब्राह्मणों को बुला के उनको खिला देते हैं। अपने अपने मन से सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सभ्यता क्या है, सिद्धांत क्या है, वहां तक पहुंचने का रीति क्या है। अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको आईएफएससी कोड नंबर, ब्रांच, सब बैंक अकाउंट नंबर, नाम उस व्यक्ति का जिसका बैंक अकाउंट है, वो सब सही भेजना पड़ता है ना। आप अपने मन से नहीं लिख सकते पहले तो। अच्छा, जो लोग वैदिक सभ्यता को नहीं मानते वो तो कहते हैं कि ये क्या है, ये सब तो मन घड़क है। कैसे मन घड़क? जब एक मनुष्य ऐसा सिस्टम बना सकता है कि यहाँ भारत में बैठे बैठे अमेरिका में हम पैसे भेज सकते हैं, हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहां से कुछ मंगा सकते हैं, तो क्या भगवान सिस्टम नहीं बना सकते जिससे ऑनलाइन ट्रांसफर हो एक ग्रह से दूसरे ग्रह? जब मनुष्य बना सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी तो भगवान कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, सोचिए। तो हमारे पूर्वज हैं उनको बड़ा परेशानी होती है, ठीक से खाने पीने को नहीं मिले आपको तो कैसा लगेगा। तो ये विधि विधान से करना चाहिए। और क्या है इसका विधि, कि सबसे पहले तो आप सात्विक भोजन पकाएं। कुछ लोग तो मांस मदिरा तक श्राद्ध और पिंडदान में दे देते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सात्विक भोजन बना के सबसे पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए भोजन, क्योंकि जब तक कृष्ण को अर्पित नहीं होगा तो कैसे उद्धार होगा, क्योंकि उनको महाप्रसाद नहीं मिलेगा ना आपके पूर्वजों को। जब भगवान द्वारका में थे और देवकी ने सुना कि कृष्ण और बलराम अपने गुरु पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको छुड़ा के लाए, तो मेरे 6 पुत्रों को देखने की इच्छा ऐसे देवकी के मन में भाव आया। तो माता देवकी ने कृष्ण और बलराम से कहा कि मैं भी अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। कृष्ण, क्यों नहीं, भगवान के लिए क्या है, कहीं भी ले आएंगे, हमारे भाई हैं बड़े। तो फिर कृष्ण और बलराम जाके 6 पुत्रों को ले आते हैं। जैसे ही देवकी देखती है कि 6 पुत्र आ गए तो बड़ी ममता उमड़ती है और देवकी, माता देवकी के स्तनों से दूध आने लगता है। तो ये छोटे 6 बच्चों को दूध पिलाना चाहती है, ये जाते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते रुको, भाइयों को बोलते रुको रुको, तुम सब बड़े हो, मैं सबसे छोटा हूं 8 में, इसलिए पहले अधिकार मेरा है। तो कृष्ण, हालांकि जो कि उम्र में इतने बड़े हो गए हैं, वो अपने माता देवकी का स्तनपान करते हैं। इसके पीछे आचार्यों ने हमें सिद्धांत समझाया, क्योंकि कृष्ण ने स्तनपान किया तो एक हिसाब से देवकी का जो दूध है वो कृष्ण ने पहले ले लिया, पी लिया,
अब जो बचा हुआ दूध है वो महाप्रसाद हो गया, तो ये 6 बच्चों ने जब पिया दूध तो इनका उद्धार हो गया। क्यों? कृष्ण के महाप्रसाद से। महाप्रसाद में बहुत शक्ति है। तो हम भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रामाणिक ब्राह्मणों को वैष्णवों को बुलाएं, कीर्तन करवाएं, कथा करवाएं, और फिर उनको भोजन कराएं, फिर आसपास जितना आप जितनी आपकी क्षमता है, आप 1000 लोग को खिलाना चाहते हो, 10 लोग को खिलाना चाहते हो, पूरे शहर को खिलाना चाहते हो, आपकी जो क्षमता है, लेकिन भगवान को और भगवान के भक्तों को तो जरूर खिलाना चाहिए। फिर वो प्रसाद जाता है आपके पूर्वजों के पास, तब जाके उनका उद्धार होता है। कोई प्रेत योनि में है तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कीर्तन हुआ, कथा हुई। तो ये सब बहुत जरूरी है, कीर्तन और प्रसाद, हरि कीर्तन हरि प्रसाद, कलयुग में यही उद्धार कर सकते हैं। अब जो भक्त होते हैं, ऐसे तो पिंडदान अगर करना है या श्राद्ध करना है तो ये विधि है, सरल विधि है, क्योंकि जब आप भगवान को दे देते हो तो फिर कोई विधि विधान नहीं, भगवान को प्रेम से खिला दो, बाकी सब ठीक हो जाता है, और फिर वैष्णव का तो हो गया हिसाब बराबर। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो डेली भक्ति में लगे हैं, हर नाम जप करते हैं, भागवत गीता भागवत पुराण पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा डेली करते हैं, पूरी तरह से भक्ति में लगे, उनके लिए जरूरी नहीं है वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध न भी करें तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके भक्ति के बल पे उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। भक्ति करने भगवान नरसिंह देव कहते हैं प्रहलाद महाराज को, 3 सप्ताह पिता पूता 21 पीढ़ियां तो तुम्हारी ऐसे ही तार देंगे। तो इसीलिए हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त बनेंगे तो हमारे सारे पूर्वज जहां जहां बैठे हुए हैं ब्रह्मांड में, उनका उद्धार हो जाएगा। तो भक्तों को अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो विधि यही है और लॉजिक भी यही है कि भगवान को खिलाइए, फिर कीर्तन करवाइए वैष्णव से, वैष्णव को प्रसाद खिलाइए, और फिर आप जिसको खिलाना चाहते हैं आपके पूर्वजों तक प्रसाद पहुंच गया और उससे वे उद्धार हो जाएंगे। अब जब अधर्म के प्रति झुके रहेंगे अवांछित संतानें, तो ये धर्म की क्रिया नहीं होगी, और आज आप देख सकते हैं ये क्रिया बंद होती जा रही है। और इसमें जो हमारे पूर्वज हैं उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो दूसरों के उद्धार के लिए और अपनी भलाई के लिए इसीलिए कार्य करना चाहिए धर्म का। और धर्म का मतलब है भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के सारी गतिविधियां सारे क्रियाएं करना, यही असली धर्म है। हरे कृष्ण।